नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल जरूर क्लिक करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं मेन सब्जेक्ट जो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत गोबर धन योजना के संबंध में। ठीक है, तो गल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। इसके बारे में डिटेल में समझ रहे हैं, 2 से 3 पेज का है ये। इसके बारे में डिटेल में समझेंगे दोस्तों, किस तरह से हम गोवर्धन योजना का लाभ ले सकते हैं, किस तरह से आवेदन करना है, और क्या क्या चीज़ें रहेंगी, होना चाहिए हमारे पास। तो दोस्तों, ये आदेश जो निकल चुका है मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा, ये 29 जुलाई को ही निकल चुका है, 29/7/2021 को ही, कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत गोवर्धन योजना के संबंध में। तो गोवर्धन योजना को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत बायोडिग्रेडेबल कचरे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया है। गोवर्धन योजना की पहल से सामुदायिक जागरूकता और स्वामित्व को बढ़ावा देने और गांवों में मवेशियों के गोबर, कृषि अवशेषों और अन्य बायोडिग्रेडेबल कचरे का प्रबंधन किया जाना है। ठीक है, दूसरा, ग्राम स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु यह निर्णय लिया गया है कि जिला स्तरीय गोवर्धन परियोजना में निम्नलिखित प्रकार के घटकों को शामिल किया जा सकता है। कौन कौन से? पहला घटक होगा दोस्तों व्यक्तिगत और घर स्त्री। ठीक है, यह मॉडल उन परिवारों द्वारा अपनाया जा सकता है जिनके पास 3 या अधिक मवेशी हैं। इस संबंध में मवेशी कोई से भी हो सकते हैं दोस्तों, भैंस हो सकती है, गाय हो सकती है, बकरी हो सकती है और भी। तो इस संबंध में वित्तीय सहायता स्वच्छ भारत मिशन से ना दी जाकर 15वें वित्त आयोग की राशि के तहत दी जाएगी। ठीक है, बायो प्लांट से उत्पन्न बायोगैस और घोल का उपयोग क्रमशः घरों में खाना पकाने और खाद के रूप में किया जाता है। ठीक है, दूसरा है मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम हेतु, इसके अंतर्गत विद्यालय परिसरों में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर आवश्यकता अनुसार बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जा सकती है, जिससे एलपीजी सिलेंडरों पर विद्यालय की निर्भरता कम हो सके। ठीक है, और तीसरा है परिवार के समूह के लिए, इसके अंतर्गत 5 से 6 ऐसे परिवार जिनके पास पर्याप्त मात्रा में पशुधन एवं गोबर की उपलब्धता हो। ठीक है, 5 से 6 ऐसे परिवार जिनके पास पर्याप्त मात्रा में पशुधन हो, मतलब पर्याप्त मात्रा में भैंसे हो या गाय हो या बकरी हो, जो भी हो, एवं गोबर की उपलब्धता हो। ठीक है, इसके लिए बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जा सकती है, जिससे एलपीजी सिलेंडरों के विकल्प के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, ग्राम स्त्री क्या क्या हो सकता है? तो ऐसे ग्राम जहाँ पर गौशालाएँ हों, ठीक है, जहाँ गौशालाएँ हों, जहाँ गाय बंदी होती हों, गौशालाएँ हों, वहाँ पर गौशालों के परिसर में बायोगैस संयंत्र स्थापित किया जा सकते हैं, जिसका प्रयोग गौशाला के विद्युतीकरण अथवा अन्य प्रकार के वाणिज्यकरण उपयोग हेतु किया जा सकता है। ठीक है, अब ये पॉइंट है थर्ड, गोवर्धन योजना क्रियान्वयन के संबंध में राज्य कार्यालय से समय समय पर पत्र जिलों को प्रेषित किए गए हैं। गोवर्धन योजना के संबंध में सुलभ संदर्भ हेतु मॉडल DPR संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है, अनुलग्नक 1। ये DPR के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे, कितना अमाउंट किस किस योजना के तहत मिलेगा, किस किस स्तर पर मिलेगा, वो भी हम चर्चा करेंगे। आप अपने जिले में आवश्यकता अनुसार DPR में परिवर्तन कर सकते हैं। DPR मेन वही है कि एस्टिमेट है कि इस योजना का किस योजना में किस स्तर पर आपको कितना कितना अमाउंट प्राप्त होगा आपके गोबर से जो बायोगैस बनाएंगे उसके संबंध में। ठीक है, तो गोवर्धन योजना के कार्यों की स्वीकृति जिला जल एवं स्वच्छता समिति से अनुमोदन कराकर स्वीकृत की कार्रवाई किया जाए। इसके बाद है चौथा पॉइंट, एजेंसी का चयन। गोवर्धन योजना क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर एजेंसी निर्धारण का किया जा सकता है। एजेंसी निर्धारण के संबंध में विस्तृत विवरण भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 क्रियान्वयन के दिशा निर्देश 2020 में स्पष्ट किया गया है, हम इस पर भी बाद में बात कर लेंगे। अशासकीय संस्थाओं के एजेंसी चयन की प्रक्रिया मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के अनुसार ही होगी। शासकीय संस्थाओं, ऊर्जा विकास निगम, MP एग्रो इत्यादि एजेंसी का चयन सीधे किया जा सकता है। एजेंसी को भुगतान DPR मतलब जो एस्टिमेट रहेगा कि लागत के 10% राशि में से किया जा सकता है। एजेंसी को एकमुश्त भुगतान ना किया जाकर कई चरणों में भुगतान किया जाएगा, निर्देश भी पत्र के साथ संलग्न है। पांचवा है बायोगैस संयंत्र के निर्माण के संबंध में विभिन्न प्रगति विकल्प स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 क्रियान्वयन की दिशा निर्देश 2020 में वर्णित है। बायोगैस संयंत्र के निर्माण से पूर्व विभिन्न घटकों का गहनता पूर्वक परीक्षण किया जाए एवं उक्त स्थान पर स्थापित किया जाए। ठीक है, उक्त स्थान पर जो उपयुक्त स्थान है उसी।
ठीक है, तो जो उपयुक्त स्थान है उस पर स्थापित किया जाए, बायोगैस संयंत्र की क्षमता का आकलन कर निर्माण कार्य की कार्रवाई की जाए, बायोगैस संयंत्र का निर्माण सामुदायिक संकुल एवं वाणिज्यिक स्तर पर किया जा सकता है। वर्तमान में 200 से ज़्यादा छात्र संख्या वाले ग्राम का चयन किया जाकर उन ग्रामों में बायोगैस संयंत्र निर्माण की प्राथमिकता दी जावे, जिससे मध्याह्न भोजन निर्माण में उपयोग किए जाने वाली गैस सिलेंडर की निर्भरता को समाप्त किया जाकर बायोगैस का उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार सामुदायिक स्तर पर भी बायोगैस संयंत्र का निर्माण किया सकता है। एक से अधिक घरों के समूह के मध्य बायोगैस संयंत्र का निर्माण भी किया सकता है। उन घरों में बायोगैस संयंत्र की आपूर्ति हो सकती है एवं खाद का भी वितरण हो सकेगा। योजना अंतर्गत व्यक्तिगत बायोगैस संयंत्र की स्थापना भी की जा सकती है। इस हेतु व्यय स्वच्छ भारत मिशन से नहीं किया जाकर जिले अंतर्गत उपलब्ध 15वें वित्त आयोग की राशि अन्य संसाधनों से किया सकता है। फिर दोस्तों छठवां पॉइंट, बायोगैस संयंत्र के निर्माण से पूर्व उपयोगकर्ता दल का गठन किया जाना है एवं बायोगैस संयंत्र के निर्माण चयन एवं व्यवस्था बनाए जाने वाले समूहों व्यक्तियों की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। बायोगैस संयंत्र के विभिन्न मॉडल जेम पोर्टल एक है दोस्तों, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जेम पोर्टल पर उपलब्ध है। जिला अपने स्तर से नियमानुसार क्रय करने की कार्रवाई करेंगे या आवश्यकता अनुसार भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए अन्य विधि से क्रय कर सकते हैं। जिला अपने स्तर से भी बायोगैस संयंत्र का निर्माण नियमानुसार करा सकता है। बायोगैस संयंत्र के निर्माण एवं संचालन का परिप्रेक्ष्य नियमित रूप से जनपद पंचायत जिला पंचायत के अधिकारियों द्वारा किया जाए। राज्य स्तर से भी अधिकारियों द्वारा समय समय पर पर्यवेक्षण किया जाएगा। गोवर्धन योजना अंतर्गत बायोगैस संयंत्र के संबंध में भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के निर्देशों का अनिवार्यतः पालन किया जाए। गोवर्धन योजना अंतर्गत किए गए कार्यों का जियो टैगिंग एवं गोवर्धन पोर्टल पर आवश्यक रूप से नियमित रूप से प्रविष्ट किया जाना होगा। जियो टैगिंग दोस्तों से हर पोर्टल पर आवश्यक हो गई है। हर योजना में जियो टैगिंग का मतलब ये कि अक्षांश दशांश लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ फोटोग्राफ्स लेना, जिससे भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को विभाग की गतिविधियों से अवगत कराया सके। 11 पॉइंट है, गोवर्धन योजना अंतर्गत बायोगैस संयंत्र के निर्माण में भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के नियम निर्देशों का अवश्य पालन किया जाए। बायोगैस के निर्बाध आपूर्ति और इसकी सुनिश्चित बनाए रखी जावे। खाद के वितरण की समुचित कार्रवाई भी की जावे। गोवर्धन योजना की निर्देशिका अनुलग्नक 2 पर संलग्न एवं योजना अंतर्गत मानक प्रचालन प्रक्रिया अनुलग्नक 3 पर संलग्न, ये हम अनुलग्नक अलग से बात करेंगे इन पर। बायोगैस के निर्बाध आपूर्ति और इसकी सुनिश्चित बनाई रखी जावे तथा खाद के वितरण की समुचित कार्रवाई किया जावे। कृपया उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुक्रम में आवश्यक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। संलग्न इसमें है DPR गोवर्धन योजना हेतु भारत सरकार निर्देशिका मानक प्रचलन प्रक्रिया, इन तीनों पे दोस्तों मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूंगा। ये बिल्कुल हम डीप में समझेंगे, गहराई समझेंगे किस तरह से गोवर्धन योजना का लाभ लिया जा सकता है। ये आदेश जो निकला है प्रमुख सचिव महोदय मध्य शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निकल चुका है दोस्तों, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। हमने आज बहुत अच्छे से चर्चा की है इस योजना पर, और भी मैं आपको एक एक कर इस पर वीडियो रहूंगा, इसके लिए आप मेरे साथ बनने जुड़ रही है। आपको पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद और बेल आइकन के ऑल बटन पर जरूर क्लिक करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों आप स्वेच्छा से कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो ज्वाइन ट्रेंड से कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।